हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और सुबह के 8:30 बजे हैं। आफ्टरनून विश किया है क्योंकि आपके पास दोपहर में आएगा वीडियो। तो यहाँ मैंने अभी किचन क्लीन की है। मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि किचन क्लीन हो चुकी है, झाड़ू लग चुकी है। सुबह के 8:30 बजे हैं और जो बाहर का जो काम होता है ना, डस्टिंग वगैरह का, वो भाभी कर रही है, मतलब झाड़ू वगैरह का। अंदर का मैं कर रही हूँ। शिवान सभी सोए हैं, वो छत पर से, मतलब हम लोग छत पे सोते हैं ना तखत पे, तो वहाँ से नीचे बेड के ऊपर यहाँ सुला दिया है शिवान को। उसके पापा उठकर आते हैं ना, तब उसको लेकर के आ जाते हैं वहाँ से, क्योंकि ना फिर बाद में गिरने का डर रहता है ना अकेले वहाँ। अगर छोड़ के आ जाएंगे तो उठेगा तो, या वैसे भी गिर सकता है नींद में भी। और यहाँ प्याज रखी थी, सारी जा चुकी है मार्केट सेल होने के लिए। और इधर मूंगफलियां रखी है। मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि मूंगफलियां चुगने का जो इधर का ढेर लगा हुआ है ना, उसमें काम चल रहा है। उसमें बहुत सारा कचरा है, तो उसमें से मूंगफली मूंगफली निकाल लेंगे। और इसमें चुहियां बहुत हो गई हैं यहाँ रखने से ये, और जब तक सारी चुगी नहीं जाएंगी तब तक ये सेल भी नहीं हो सकती। वैसे इनमें सेल बहुत कम होंगी, बस ये करना है कि इनमें से ज़्यादातर जितने भी रिलेटिव्स हैं ना वहाँ जाएंगी। और यहाँ मैं आज सही करने आई हूँ, क्योंकि जैसे मेरा पोछे का काम ख़त्म होगा, मतलब मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मुझे नहाने जाना है। और डेली ज़्यादातर यही रूटीन रहता है ठंड के टाइम पे, कि गर्म पानी सुबह जल्दी रख दिया जाता है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। आजकल मैं गर्म पानी से ही कपड़े वॉश करती हूँ, मतलब कि सर्फ जो घोलने का काम होता है ना, वो गर्म पानी में घोल लेती हूँ, और बाद में फिर उसी से सर्फ में, मतलब उसी में कपड़े धो लेती हूँ, जिससे हाथ ठंडे ठंडे पानी में नहीं जाते। और भाभी जो है वो कर रही है बाहर अपनी गाय का काम। गाय आराम से खाना वाना खा के सुस्ता रही है। सुबह का व्यू है कुछ ऐसा, काफी खूबसूरत लग रहा है ये मौसम। ठंडा ठंडा मौसम है सुबह सुबह। काम तो वैसे स्लो ही होता है, लेकिन एक बार जब तेजी आती है ना काम में, तो बहुत फास्ट फास्ट करने लगते हैं। इधर से सारे एरिया में झाड़ू लग चुकी है, और छोटी जो चुन्नू मुन्नू जो है ये अंदर है अभी, क्योंकि ठंड है ना, बाहर तो बाहर नहीं निकाला है इसको। और चूल्हे की आग इतनी खूबसूरत लगती है सर्दी के टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ आपको। और गर्म पानी हो चुका है, तो मुझे अब फटाफट से पोछा लगा देना है ताकि मैं नहा लूँ जल्दी से। और हाँ, पोछे लगाने से पहले थोड़ा बहुत जो इधर उधर सामान बिखरा रहता है ना, उसको उठा दिया है। और बीच में आ गए हैं शर्मा जी। शर्मा जी को बीच में ही गर्म पानी देना होता है ना, नमक डाल के गर्म पानी पी रहे हैं आजकल, क्योंकि ना गले में खराश हो रखी है इनके। तो मैं इनको पानी देने चली गई हूँ पोछा छोड़ के, और अभी आके दोबारा से शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह का काम ऐसा ही होता है, कभी कोई आ जाता है या कोई काम होता है तो बीच में छोड़ना पड़ता है ये पोछे वगैरह का काम। और सुबह इतना, मतलब पोछा लगाना, वैसे डांट पड़ती है मेरे को कि पोछा मत लगाया कर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब सारा घर सुबह सुबह क्लीन हो जाता है ना, तब इतनी सुकून सा मिलता है, एक अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ अब मेरा घर भी नहा लिया, अब मैं नहाने के लिए जा सकती हूँ। किन किन को लगता है, मतलब किस किस को लगता है ऐसा, बताना मेरे को। मुझे अगर मैं घर में पोछा वगैरह लगाऊं नहीं और पहले नहा लूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि आज तो नहाया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, पोछा लगाते रहो चाहे, लेकिन बाकी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखो कैसे घूम रहे हैं सब लोग, ठीक है, ऐसे ही चलता है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है, अपने काम से मतलब रखना है, अपना काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो मम्मी शूज पहन के गई हैं अभी, ये देखो। और सब, मतलब ज़्यादातर लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी क्लीन होने के बाद में अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। और अब हो चुका है नहाने धोने का काम, और उसके बाद में मैं बना रही हूँ खाना। शर्मा जी खाना खा रहे हैं, बच्चे आज स्कूल गए हैं। जी हाँ, आज दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में। और शर्मा जी ने चटनी बनाने के लिए बोला था मेरे को, तो मैंने लाल मिर्च की चटनी बनाई है, और काफ़ी टेस्टी लगती है ये चटनी। आप लोग भी देख रहे होंगे मेरे पिछले वीडियोस, तो आपको पता होगा मैं हमेशा रेगुलर ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। सब्जी चाहे स्किप हो जाए, लेकिन चटनी स्किप नहीं होगी, चटनी ज़रूर बनेगी। और ठंडी के टाइम पे ऐसे धूप में बैठ के खाना बनाने का और खाने का एक अलग ही मज़ा है, बहुत सुकून मिलता है बनाने में भी और खाने में भी। मतलब मैंने खाया तो नहीं है यहाँ बैठ के, लेकिन बस ये है, बनाती हूँ तब अच्छा लगता है। और मेरी रोटियाँ अच्छी बनने लग गई ना, देखो कितनी खूबसूरत सी बन रही है ना। पहले मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन आजकल बनाती हूँ ना रोज, तब मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी आ गई है, अच्छे से सीख जाती है, बहुत ही प्यारी सी बनती है। और जब इसको रोटी को घी लगा के जब खाते हैं ना, बहुत ही टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। मैं इसको देख रही हूँ जब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे ही बैठ करके खाऊं, और कोई बनाए लेकिन कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी।
और शर्मा जी खा रहे हैं उसमें भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको खिला करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा खाना खिला करके। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई सामने कोई फटाफट खा रहा हो और मैं बना रही हूँ, ये देखो कैसी खूबसूरत सी रोटी है। तो आप लोग भी खा लीजिए चटनी रोटी और छाछ। कल मेरी मम्मी पता है क्या कह रही थी, मेरी मम्मी कह रही थी तेरे वीडियोस को देख करके ना ऐसे लगता है तू मेरे को चिढ़ा रही है। मैंने कहा कैसे, कह रहे तो ना रोज छाछ की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे छाछ मिलती नहीं है तो चिढ़ाती रहती है हमें। तो मैंने कहा मम्मी मैं चिढ़ा खा रही हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरे को चिढ़ाते हो कि रोज छाछ रोटी चटनी खाती है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली चुगने आ चुके हैं, इधर का ये मूंगफली का ढेर जो है ना इस एरिया में डाल रखा है, ये राम कुटिया के पास है। राम कुटिया का हाल बहुत ख़राब हो चुका है, टाइम ही नहीं मिल रहा यार बिल्कुल भी। एकदम छोटे छोटे तो दिन होते हैं, मतलब सुबह उठने के बाद में शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। नहीं तो मैं इस एरिया को एक बार फिर से अच्छे से करूँगी, इसमें बहुत सारी घास कचरा बहुत फैल गया और यहाँ पर ये मूँगफलियाँ डालने से और ज़्यादा कचरा हो गया। तो मैंने सोचा मैं इसको साफ़ करूँ जल्दी जल्दी, मूँगफलियाँ साफ़ करेंगे इधर से तो ये कचरा भी हटेगा। तो ये मूंगफलियाँ चुगने लग रहे हैं और आज मैंने बहुत सारी मूंगफलियाँ चुगी हैं, ये ठंड के मौसम में आगे खाने के काम आएंगी। बच्चे जब भी कहेंगे मैं सेक के दे दूंगी। और इन मूंगफलियों में ना देखो कितना पड़ा हुआ है ना, जैसे पत्थर वगैरह जो भी पड़े हुए हैं ये इन्हीं में से निकले हैं और पूरा कैप्चर हुआ भी नहीं है, पर चारों तरफ का मैं दिखाऊंगी कभी भी इस वीडियो में आप लोगों को एक दो दिन में देखना, बहुत कचरा फैला है। और शर्मा जी जाएंगे कल एक हवन करवाने, तो हवन का सामान लिख रहे हैं बैठ करके और अभी तक वो मूंगफलियां ही चुग रहे थे मेरे साथ यहीं बैठे बैठे। और हाँ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ गए थे, शर्मा जी नाराज़ हैं क्या आपसे, नाराज़ हैं क्या आप बता नहीं रहे, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के साथ में क्लियर भी करूँगी कि क्या कारण है। लो जी शाम का बज गया, के टाइम हो गया देखो रुको देखे ना है शाम सी 5:15 होगी, शाम का 5:15 बज गया और मैं मूंगफली चुग रही थी। मूंगफली चुग के कट्टो एम दर दिए, फिर मैं सोची थोड़ी सी आप लोगों ने अपडेट दे दूं, आप लोगों से भी बात कर लूं। ब्लॉग शुरू कर रखा है सुबह सुबह से, तो ये कट्टा मैंने इतना भर लिया आज चुग के मूंगफली मूंगफली बैठ के इतना कर लियो देख लो, मतलब एक टप और गला हुआ है मैं तो, एक टप और गला हुआ है मैं, इतनी मूंगफली मैं आज चुग ली। और देखा और चुगला थोड़ी थोड़ी, पाल भी चुगू एन बंद कर दूं मैं एक बार छत पे इसलिए रख रखी है क्योंकि मैं यहाँ सुखा देती हूँ इनको, धूप लग जाती है कच्ची, गीली नहीं रहेंगी, गीली रहेंगी ना तो फिर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो और ये टब भर के लेके आई थी, अब मैं कपड़े उतारूंगी, मेरे कपड़े इधर सूख रहे हैं, ये कपड़े उतार लेती हूँ फिर नीचे चलेंगे, खाने का देखते हैं क्या बनाते हैं। चटनी तो बनानी है, बाकी सब्जी वब्जी का पता नहीं क्या बनाऊँगी, मम्मी दाल बना रही है उसी से काम चल जाएगा, आज मम्मी बना रही है दाल, मम्मी ने कहा मैं बनाती हूँ आज, होता है ना। माँ का कहना है कि कभी कभी बच्चों का भी मन करता है अपनी माँ के हाथ का खाने का, तो आज माँ बनाएगी बच्चे खाएंगे तो माँ दाल बनाएगी आज। और अब नीचे चलेंगे और मैं देखो एक हाथ से ब्लॉगिंग करूँ, एक हाथ में कपड़ा तारण में लगा रही हूँ, ये पिन बहुत टाइट है जो प्लास्टिक वाली है ना, ये रुद्रपुर से लाई हुई है मेरी सारी पिन, ये हो गया। और ये साड़ी मैंने माँ को मीशो से मंगवा के दी थी और माँ ने ये साड़ी रिजेक्ट कर दी, अब थोड़े दिन पहन ली नहीं पहनूंगी, तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया, मैंने कहा मैं पहनूंगी फिर देखना आप लोग सही लगती है क्या बेटा खाना खा के बर्तन नहीं उठाए, बर्तन उठा। और बच्चे आज स्कूल गए थे, आज यहीं के गवर्नमेंट स्कूल में गए थे दोनों, लाइट जलाती हूँ उधर की। क्या बोला पता है प्रिंसिपल सर को, सर को बोलता है सर फोन बंद करके पढ़ा भी लो अब थोड़ी देर ठीक है, ऐसा नौटंकी बाज है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं, देखो नौटंकी बाज नहीं, एक टंकी दो टंकी तीन टंकी चार टंकी पांच टंकी छह टंकी नौ टंकी, बस बस नौटंकी नौटंकी है तू तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ, साड़ी पहन रखी है सुबह से, अब सूट पहन लेते हैं, परेशान हो चुके साड़ी में,
ठीक है, और देखती हूँ थोड़ी देर अगर निकल जाएगा साड़ी में तो ठीक रहेगा, नहीं शाम को चेंज तो करना ही है। ठीक है, तो फिर खाने की तैयारी करते हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं और चेंज करना है। और कल मैं इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई, यहाँ पर चेंज करने के तक मैंने कैप्चर किया, उसके बाद में मैंने एंड नहीं किया। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और एक नए व्लॉग के साथ में बहुत जल्दी आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत अच्छे से व्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बहुत जल्द दोबारा से आपको पहले वाली रेनू मिलेगी, पहले के जैसे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। तो ठीक है, फिर बाय है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर।